Hello student, good morning to all. In our last classes, we already discussed about the definition of the partnership, features of the partnership. In our next classes, we are going to discuss about the rights of the partners. So let's start. So features of the partnership, we have discussed one important feature, that is the agreement, because the agreement on the basis of the agreement beta kis base pe hum banate hain, on the basis of the mutual rights and duties of the partners. To beta partners ke mutual rights kya kya hongi, partners ki duties kya kya hongi, iske basis pe hum kya karte hain beta, ek agreement banate hain. Aur jab agreement hamara banta hai, jab hamara agreement banta hai to beta wo kisko originate karta hai, वो पार्टनरशिप को ओरिजिनेट करता है. इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट. पार्टनरशिप एग्रीमेंट का क्या है बेटा, रिजल्ट है. तो बेटा यहाँ पे हमने डिस्कस किया राइट्स ऑफ द पार्टनर्स. तो बेटा पार्टनर्स के एक जनरल राइट्स क्या क्या होंगे बेटा, तो क्या क्या राइट्स होते हैं पार्टनर्स के, तो वो चीज़ें बेटा हम डिस्कस करेंगे इसमें. तो जब आप एक फर्म में एक पार्टनर बनते हैं तो बेटा उसमें कौन कौन से आपको राइट्स होते हैं आपके पास एज अ पार्टनर. तो सबसे पहला राइट्स क्या होते हैं बेटा, टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस. इसका मतलब क्या है बेटा, कि हर एक पार्टनर के पास ये राइट्स होता है कि वो क्या कर सकता है, बिजनेस के अफेयर में, मतलब बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज हो सकती हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके बारे में क्या ले सकता है बेटा, इन्फॉर्मेशन ले सकता है, कंसल्ट कर सकता है और सजेशंस दे सकता है, क्योंकि उसका उसके पास ये राइट्स होता है. तो नेक्स्ट वाला जो हमारा बेटा सेकेंड राइट्स है वो क्या है हमारा, टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द हैव अ कॉपी ऑफ इट. टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट. तो बींग अ पार्टनर बेटा, पार्टनर्स के पास ये भी राइट्स होता है कि बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग है, मतलब बिजनेस का फाइनल अकाउंट बेटा, जर्नल एंट्री, लेजर, सब कुछ बेटा, बिजनेस का ईच एंड एवरी बुक ऑफ अकाउंट पार्टनर्स क्या कर सकता है बेटा, पार्टनर्स को इंस्पेक्ट कर सकता है. इंस्पेक्ट का मतलब बेटा जांच पड़ताल कर सकता है, उसको देख सकता है और उसकी एक कॉपी ले सकता है अगर उसको रिक्वायर्ड है तो. थर्ड वाला बेटा, थर्ड राइट्स क्या होता है, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विद अदर्स इन एग्रीड रेशो. वो क्या करता है बेटा, जो प्रॉफिट होता है, लॉसेस होते हैं, उनको अदर पार्टनर्स के साथ क्या करता है बेटा, शेयर करता है. किस में, किस रेशो में बेटा, अग्रीड रेशो में. अग्रीड रेशो का मतलब जब बेटा अपनी अग्रीमेंट बना रहे थे तो उस टाइम पे वो डिसाइड कर लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस की जो हमारी रेशो होगी बेटा वो क्या होगी. जैसे उन्होंने सपोज एक बिजनेस में बेटा टू पार्टनर्स हैं तो वो अपनी रेशो क्या रख सकते हैं, 1:1 रख सकते हैं, 1:2 रख सकते हैं, तो ऐसे कुछ भी बेटा रेशो रख सकते हैं जो कि अग्रीड रेशो जिसको हम बोलते हैं. नेक्स्ट, आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. ये क्या कर सकता है बेटा, एक पार्टनर्स के पास राइट्स होता है, अगर उसको ये लगता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, तो वो क्या लगा सकता है बेटा, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, उसको अलाउ ना करे कि नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करेगी. ये बेटा एक पार्टनर्स के पास क्या होता है, ये राइट्स होता है. और बेटा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मीन्स एक नया पार्टनर बिजनेस में जब ही जुड़ सकता है जब सारे के सारे पार्टनर्स क्या होंगे बेटा, अग्री होंगे. अगर उनमें से कोई एक पार्टनर अग्री नहीं करता है तो बेटा कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर नहीं कर सकता. नेक्स्ट बेटा, टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस फॉर द सेम. इसका मतलब क्या है बेटा, कोई भी पार्टनर अगर ये चाहता है कि अब बेटा वो फर्म में काम नहीं करना चाहता है और चाहता है कि वो रिटायर हो जाए फर्म से, अपनी ड्यूटीज से बेटा, अपने जो उसकी ड्यूटीज हैं बेटा उनसे क्या ले ले बेटा, वो रिटायरमेंट ले ले, तो वो क्या कर सकता है बेटा, फर्म से रिटायर हो सकता है, जब चाहे तब रिटायर हो सकता है. लेकिन उसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा, एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा. प्रॉपर नोटिस दे के वो क्या हो सकता है बेटा, रिटायर हो सकता है फर्म से. तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा, इफ अ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, इफ अ पार्टनर
क्या होता है बेटा, कई बार पार्टनर्स बिजनेस को एक तो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करता करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के साथ साथ बेटा फर्म को वो लोन दे देता है। तो अगर उसने लोन दे रखा है तो ही हैज राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट अग्रीड रेट। वो क्या करेगा बेटा, उस पे जो उसने लोन दिया है उस पे बेटा वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रिसीव करेगा। किस रेशो से, अग्रीड रेशो से। अगर उन्होंने कोई अग्रीमेंट में ये पॉइंट डाल रखा है कि कोई पार्टनर अगर लोन देता है तो वो किस रेशो में, सॉरी किस रेट से इंटरेस्ट रिसीव करेगा या उसको पेड करेगी फर्म, तो बेटा उस रेट से। नहीं तो अगर उन्होंने, इफ एनी अगर कोई है बेटा अग्रीमेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एनी, अगर कोई एग्रीमेंट है इससे रिलेटेड। अगर नहीं है बेटा तो वो क्या होगा, उसको फर्म 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट उसको पेड करेगी। तो आई होप बेटा आपको ये राइट्स जरूर समझ आ गए होंगे पार्टनर्स के। सो बेटा इसी तरह से हमारा जो अगला हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा हमारा पार्टनरशिप डीड का। तो पार्टनरशिप डीड को बेटा समझने के लिए हम पहले कैसे समझेंगे अग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट कैसा हो सकता है बेटा, कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ द रिटन फॉर्म में हो सकता है और ओरल फॉर्म में हो सकता है। तो बेटा जो रिटन फॉर्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। जो एग्रीमेंट हम रिटन फॉर्म में करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अच्छा पार्टनरशिप डीड को बेटा हम रिटन में क्यों करते हैं, रिटन में इसलिए करते हैं कि बेटा इसलिए करते हैं, उसका रीजन क्या होता है, दिस इज फॉर अवॉइड ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड द डिस्प्यूट्स। तो बेटा इन फ्यूचर किसी भी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने अग्रीमेंट को रिटेन में रखते हैं। और ये बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपल्सर नहीं होता है, अगर कोई बिजनेस बनाना चाहता है तो बेटा बना सकता है, इसके अपने खुद के बेनिफिट्स होते हैं। अगर इसको बनाता है तो बिजनेस को एडवांटेज मिलेंगे, पार्टनर्स को एडवांटेज मिलेंगे भी। ये जो हमारी पार्टनरशिप डीड होती है ये बेटा कोर्ट में जब कोई भी केस होता है किसी से रिलेटेड, मतलब कोई कन्फ्यूजन हो गया बेटा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई डिस्प्यूट हो गई, तो ये बेटा क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स इसको बेटा एज अ प्रूफ, लीगल प्रूफ बेटा कोर्ट में भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए बेटा हमेशा क्या करते हैं, हर पार्टनर्स की ये कोशिश होती है कि जो अग्रीमेंट हो बेटा वो किस में होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए। तो बेटा डेफिनेशन क्या होती है पार्टनरशिप डीड की, देखिए पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन होती है, व्हेन द अग्रीमेंट ऑन द अग्रीमेंट इज रिटन एंड ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइन बाय अ पार्टनर। जो बेटा अग्रीमेंट क्या होता है, रिटन में होता है, और जो बेटा स्टैम्प लगा दी जाती है उसमें किसकी, पार्टनर्स, और जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसकी स्टैम्प लगा दी जाती है, और साइन कौन कर देते हैं बेटा, सारे के सारे जितने पार्टनर्स होते हैं उस पर सिग्नेचर्स कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, इट्स कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को का दूसरा नाम क्या है बेटा, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो इसको बेटा हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा इसमें कंटेंट क्या क्या होता है, जब हम पार्टनरशिप डीड को बना रहे होते हैं तो उसमें हमारा क्या क्या कंटेंट होता है, कौन कौन सी चीज़ों पे बेटा हम डिसीजन लेते हैं। तो बेटा कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम डीड बना रहे होते हैं तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है दैट इज़ अ नेम ऑफ द फर्म, हमारी फर्म का नेम क्या होगा, ये चीज़ें बेटा इसमें हम लिखते हैं। देखिए कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कंटेंट क्या क्या होगा बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, नेम ऑफ द पार्टनरशिप, नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या रखेंगे बेटा वो इसमें लिखा रहता है। उसके बाद बेटा नेम, क्वालिफिकेशंस, ऑक्यूपेशंस एंड द एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे बेटा उनका नाम क्या है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, और कोई बेटा अगर वो काम धंधा करते हैं मतलब उनका ऑक्यूपेशन कुछ भी है बेटा, तो वो सारी चीज़ें, और उनका एड्रेस क्या है पार्टनर्स का, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं बेटा पार्टनरशिप डीड में हमारी मेंशनड होती हैं। तो नेक्स्ट हमारा है बेटा नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा होगा। अब देखता आप जानते हो बेटा कि बिजनेस हमारा टू टाइप का हो सकता है,
ट्रेडिंग बिजनेस हो सकता है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है, या तो बेटा हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप किस में करेंगे, ट्रेडिंग बिजनेस में करेंगे या फिर हम किस में करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में करेंगे। तो ये दोनों ही तरीके में से कौन सा तरीके का हम बिजनेस कर रहे हैं, कौन से तरीके की हम बेटा पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो बेटा इसमें हमारा रिटर्न होता है। नेक्स्ट बेटा ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। अब बेटा पार्टनरशिप की ड्यूरेशंस क्या रखेंगे, मतलब कितने दिन के लिए हमारी पार्टनरशिप होगी। एक तो ऐसी पार्टनरशिप होती है बेटा जो लाइफ लॉन्ग होती है, कुछ पार्टनरशिप ऐसी होती है जैसे बेटा रोड का कंस्ट्रक्शन करना है हमें, किसका कंस्ट्रक्शन करना है, रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है, गवर्नमेंट से हमने क्या ले रखा है बेटा, सभी पार्टनर्स से मिलके कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। तो बेटा वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होगा, ब्रिज बन गया पार्टनरशिप खत्म हो गई, इसी तरह से बेटा रोड बन गया पार्टनरशिप ओवर हो गई। तो कुछ टाइम पीरियड्स के लिए बेटा, अगर पार्टनरशिप हमारी क्या है बेटा टाइम पीरियड्स के लिए है, कोई उसका ड्यूरेशन है 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर्स, तो बेटा वो भी हम इसमें मेंशन कर देते हैं, या फिर बेटा हमारी लाइफ टाइम की है तो भी इसमें हम मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा फिफ्थ पॉइंट, कैपिटल्स कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर। तो बेटा जितने भी पार्टनर्स हैं वो कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें कि कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट करेगा कोई भी पार्टनर, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस्ड होती हैं, लिखी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग दैट कैन बी, द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग दैट कैन बी मेड बाई ईच पार्टनर। इसमें से बेटा जो पार्टनर्स हैं वो कितने अमाउंट की ड्राइंग कर सकते हैं, मतलब बिजनेस में से अगर उनको बेटा कुछ भी पर्सनल नीड्स के लिए कुछ भी विड्रॉ करना है, कोई अमाउंट विड्रॉ करना है, तो वो अमाउंट कितना होगा बेटा और कितने टाइम के बाद वो करेंगे बेटा। जैसे कि आफ्टर द 1 मंथ कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या होंगी बेटा मेंशन होगी, कौन कितना अमाउंट होगा, ये सारी चीज़ें इसमें डिसाइडेड होती हैं। आई होप आपको बेटा ये पॉइंट समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बेटा सेवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ एनी। अगर बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब क्या है बेटा कि जो पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी बेटा फर्म पे, उस पर हम फर्म क्या करती है उसको इंटरेस्ट देती है, अगर कोई है तो बेटा वो क्या कर लेते हैं इसको डिसाइड कर लेते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कुछ भी है तो वो सारी चीज़ें हम इसमें क्या कर देते हैं मेंशन कर देते हैं कि बेटा जैसे हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो 10% पर एनम दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो फर्म क्या कर सकती है बेटा 6%, 7%, 8%, मतलब जो भी रेट वो डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं बेटा वो यहाँ पे उसको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द रेशो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। बेटा प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने की उनकी रेशो क्या होगी, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जा सकती हैं। जैसे बेटा दो पार्टनर्स हैं, मैंने बताया था, दो पार्टनर्स क्या कर सकते हैं बेटा इसमें 1:2 की रेशो रख सकते हैं, 3 पार्टनर्स हैं बेटा 1:2, 2:3 की रेशो रख सकते हैं, जितना भी प्रॉफिट होगा इसी रेशो में बांटेंगे, वो कुछ भी रख सकते हैं बेटा, वो जो डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है बेटा सैलरीज कमीशन इफ एनी। अगर किसी भी पार्टनर्स को बेटा हम क्या करेंगे सैलरी देंगे या कमीशन देंगे तो बेटा हम क्या करेंगे उसको पेबल टू द पार्टनर्स, वो सारी चीज़ें इसमें हम मेंशन करेंगे कि किस पार्टनर्स को कितनी सैलरी मिलेगी, अगर मिलेगी तो कब कब मिलेगी, कमीशंस बेटा कब मिलेगा और कितना मिलेगा, सारा इसमें सब कुछ इसमें क्या करेंगे हम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारा 10th पॉइंट, द मैनर इन विच एडिशनल कैपिटल इज टू बी इंट्रोड्यूस। एडिशनल कैपिटल का मतलब एक तो बेटा जब पार्टनर्स फॉर्म में एंटर करेगा तो उसी टाइम पे क्या कर देगा वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देगा। अगर बेटा फर्म को और ज़्यादा अमाउंट की नीड है तो जो पार्टनर्स होंगे बेटा वो एडिशनल कैपिटल, मतलब जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखी उससे ज़्यादा जब उनको कैपिटल लेके आनी पड़ेगी तो वो किस तरह से लेके आएंगे, किस फॉर्म में लेके आएंगे, क्या मैनर होगा बेटा उसको इंट्रोड्यूस करने का, वो सारी चीज़ें क्या होगी बेटा यहाँ पे ऑलरेडी हम लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वर्क टू बी अंडरटेकन बाय ईच पार्टनर्स। इसमें बेटा कौन सा पार्टनर क्या क्या काम करेगा वो सारी चीज़ें इसमें हम क्या करेंगे इसमें लिखेंगे सारी चीज़ों को। नेक्स्ट बेटा मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल ऑन द रिटायरमेंट और द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये बेटा आपके आगे चैप्टर्स भी हैं, तो जो गुडविल्स होती है बेटा उसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, क्योंकि गुडविल की वैल्यू कितनी है, क्योंकि बेटा आपने 11th क्लास में गुडविल पढ़ा हुआ है लेकिन गुडविल की वैल्यू
वहाँ पे बेटा क्वेश्चंस में गिवन होती थी कि गुडविल बेटा 10,000 की है, 12,000 की है, 20,000 की है, लाख की है, 10 लाख की है, लेकिन यहाँ पे बेटा हम कैलकुलेशन सीखेंगे जो हमारा बेटा सेकंड चैप्टर्स में आता है। तो कौन सा मेथड होगा वो सारी चीज़ें इसमें हम लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, एक पार्टनर्स केस में बेटा कौन कौन से राइट्स होंगे, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, लाइबिलिटीज क्या होंगी और लाइबिलिटीज क्या होंगी, इस तरह की सारी चीज़ें बेटा इसमें हम क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। इसीलिए बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। मतलब जो कुछ भी होने वाला है इन फ्यूचर पार्टनरशिप में, सारी चीज़ें सारी बातें बेटा इसमें हम क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं करवाने वाला हूँ आपको, रूल्स इन अब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। अगर बेटा हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उसके अब्सेंस में कौन कौन से रूल अप्लीकेबल होंगे, तो बेटा कौन से रूल अप्लीकेबल होंगे ये बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का कवर करता है, 2 मार्क्स का बेटा सीबीएसई इसको 2 मार्क्स में देती है। तो थ्योरेटिकल बेटा कैसे आते हैं उसको सीखेंगे। तो कौन कौन से रूल बेटा, आप देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हमने क्या क्या रखी हैं बेटा, सारी चीज़ डिसाइड कर रखी हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल कितनी लेके आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, ड्रॉइंग क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने डिसाइड कर ली। अगर ये हो ही ना हमारा, अगर ये पार्टनरशिप डीड हो ही ना, तो बेटा हम क्या क्या करेंगे, कौन कौन से रूल अप्लीकेबल होंगे ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से समझना। तो अगर नहीं है तो बेटा क्या होगा, ऑल द पार्टनर्स मस्ट शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। सभी पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स होंगे उन सभी को प्रॉफिट एंड लॉस में बेटा इक्वल शेयर मिलेगा, इन रिस्पेक्टिव उन्होंने कितनी भी कैपिटल लगा रखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी को क्या मिलेगा, इक्वल शेयर मिलेगा। सेकंड पॉइंट बेटा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर्स को बेटा कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज, फर्म किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करेगी, जो पैसे पार्टनर्स ने विड्रॉल कर रखे हैं बेटा उस पे पार्टनर्स को किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। थर्ड बेटा, थर्ड रूल हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पेड टू द पार्टनर्स ऑन द पार्टनर्स लोन टू द फर्म। किस केस में बेटा, अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दे रखा है, अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पे क्या होगा बेटा, 6% पर एनम के हिसाब से, 6% पर एनम के हिसाब से फर्म क्या करेगी बेटा, इंटरेस्ट पेड करेगी। और ये इंटरेस्ट उस केस में भी बेटा पेड किया जाएगा जब फर्म को लॉस होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इंटरेस्ट पेड इन अ केस ऑफ लॉस। अगर फर्म लॉस भी इंकर्ड करती है तो उस केस में भी क्या करना पड़ेगा, फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन पेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल क्या होगा बेटा हमारा, नेक्स्ट रूल क्या अप्लीकेबल होगा, देखिए रिम्यूनरेशन, इसका मतलब क्या होता है बेटा, जो पार्टनर्स को सैलरीज मिलती हैं, कमीशन मिलता है, इस तरह की जो जो चीज़ें बेटा पार्टनर्स को मिलती हैं, इटेक्शा इज नॉट पेड एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, कोई कमीशन, किसी भी तरह का कोई भी बेटा जो हमारी सुविधाएं होती हैं वो नहीं दी जाएंगी। आई होप आपको ये बेटा जरूर समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, सिक्स पॉइंट, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड, कैन नॉट बी बेटा, कैन नॉट बी एडमिटेड टू द फर्म। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स न्यू पार्टनर, बेटा यहाँ पे मुझे लिखना था न्यू पार्टनर्स। तो बेटा देखिए, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर न्यू पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर बेटा कैन नॉट बी एडमिटेड टू द फर्म, फर्म में नहीं आ सकता। जब तक बेटा सभी पार्टनर्स अग्री ना हो जाएं कि नए पार्टनर्स को आना है, तो इतने बेटा वो फर्म में एडमिट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बेटा, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। सभी पार्टनर क्या करेंगे बेटा, बिजनेस को कंडक्ट करने में बेटा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई उनको मना नहीं कर सकता और सभी करेंगे बेटा। ईच पार्टनर, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक ऑफ फर्म एंड कैन टेक अ कॉपी ऑफ
सेम क्या होगा बेटा, ईच पार्टनर मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें से कोई भी बेटा या सभी पार्टनर्स क्या करेंगे, जो फर्म की बुक है, अकाउंट ऑफ द बुक है बेटा, उसको क्या करेंगे, इंस्पेक्ट कर सकते हैं और उसकी एक कॉपी ले सकते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे एक नोट्स भी मैंने लिखा हुआ है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। तो पार्टनर्स में चेंज एनी ऑफ पार्टनर में चेंज एनी ऑफ द अब प्रोविजंस बाय कमिंग इनटू द कॉमन अग्रीमेंट। अगर पार्टनर्स बेटा किसी कॉमन अग्रीमेंट में आते हैं, सभी किसी चीज को अग्री करते हैं, तो बस जितनी भी बातें हमने पढ़ी हैं वो बेटा क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा देख लीजिए हमने क्या क्या रूल पढ़े हैं, जल्दी से देखेंगे। सभी पार्टनर्स इन अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा बेटा, पहला पॉइंट, ऑल द पार्टनर्स मस्ट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, सभी पार्टनर्स इक्वली बेटा पार्टी प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। किसी भी पार्टनर्स को किसी भी तरीके की कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर किसी पार्टनर से बेटा फर्म को लोन दे रखा है तो उसको बेटा किस रेट से मिलेगा, 6% पर एनम के अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट मिलेगा। और ये लॉस, ये इंटरेस्ट जब भी मिलेगा जब फर्म को क्या होगा बेटा, लॉस होगा, इंटरेस्ट पेड इन केस ऑफ द लॉस, अगर लॉस हो रहा है तब भी बेटा उसको क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट पेड किया जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्या है, रिमुनरेशन, किसी भी तरह की कोई सैलरी कमीशन पार्टनर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद बेटा बिना सभी पार्टनर्स के कंसेंट के किसी नए पार्टनर्स को फर्म में एडमिट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था बेटा, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, सभी पार्टनर्स क्या कर सकते हैं बेटा, बिजनेस के एक्टिविटीज में बेटा पार्ट ले सकते हैं। उसके बाद ईच पार्टनर कैन एक्सपेक्ट कैन इंस्पेक्ट, तो बेटा बुक ऑफ अकाउंट को सभी पार्टनर्स कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं, उसकी देख सकते हैं और उसकी कॉपी ले सकते हैं अगर वो चाहें तो। इन सभी को बेटा वो क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं बेटा, पार्टनर्स में चेंज एनी ऑफ द अबव प्रोविजन बाय कमिंग टू अ कॉमन अग्रीमेंट, कॉमन अग्रीमेंट में आके बेटा वो क्या कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब बेटा इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उस क्वेश्चंस को हम देखेंगे। क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे बेटा, आपसे बोला जाएगा ए बी सी तीनों क्या हैं बेटा, पार्टनर्स हैं एक फर्म में, और जिसमें से बी क्या है बेटा, एक एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर का मतलब बेटा ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा वर्किंग करता है, किसमें, फर्म में सबसे ज़्यादा वर्किंग करता है। तो जिसके लिए ये क्या बोलेगा कि मुझे तो क्या चाहिए भाई, अब काम करता है तो सैलरी मांगेगा, मुझे तो सैलरी चाहिए, मुझे तो सैलरी चाहिए, मुझे तो कमीशन चाहिए। और आगे बेटा क्वेश्चंस में ये बोला रहेगा कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, जो हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो बी है, बी पार्टनर है, क्या उसका जो पार्टनर्स बी है क्या उसका क्लेम वैलिड है या नहीं, वैलिड और नॉट, तो आपसे पूछेगा। अगर बेटा वैलिड है तो आपको क्या देना पड़ेगा, रीजन, वैलिड नहीं है तो क्या देना पड़ेगा आपको, रीजन। तो बेटा आप ये बताओ इसमें कैसे, जो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये वाला पॉइंट देखिए बेटा, जो पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो जिसमें बता रखा है रिमुनरेशन, किसी भी तरह की सैलरी, किसी भी तरीका कमीशन किसी भी पार्टनर्स को हम नहीं देंगे, तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी को भी क्या हो नहीं होगा बेटा, किसी को भी सैलरी या कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बेटा जो पार्टनर बी है इसका क्लेम क्या है, इनवैलिड है, ये किसी भी तरीके के कमीशन किसी भी तरह की सैलरी की डिमांड नहीं कर सकता क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। इसी तरह से और क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे बेटा जो अपकमिंग क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं आप, और जो बेटा हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं आप उसमें भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।